आप देख रहे हैं टूटे फूटे हालात, कचरा जगह जगह पे, रोडें टूटी हुई हैं, गड्ढे हो चुके हैं, इतने बड़े गड्ढे हैं, क्या सिलसिला आया था नहीं करो रात में लोग, कुछ लोग गिरते भी नहीं थे। अच्छा लोग अपनी मदद आप तहत कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं लोगों ने खुद स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं, स्पीड ब्रेकर इतने बड़े कि यहाँ से आप गाड़ी गुजारना मुश्किल होगा, कचरे देख सकते हैं, रोड गटर नाले गंदा रोड हालत है। हाँ गटर नाले, अरे भैया चार्ज है, अंधेरा हो गया, रिकॉर्ड इस गली का, ये गली तो हमेशा से रही है खराब, कल साफ कल साफ हुई है, और ये कचरा के सामने से गुजर रहे, और ये आपका मशहूर शादवान एक नंबर बफर जोन के सामने गंदी गली गलियाँ, ओ ये गड्ढे, आज नजर आ रही है गाड़ियाँ प्रोटेस्ट, क्या बोला है ना लोगों ने, ये गटर आप देख सकते हैं, शादमान एक नंबर से दो नंबर जाने वाला रोड नागन की तरफ जाते हुए, बच्चे खेल रहे कचरे में, कचरे ढूंढ रहे, रोडें टूटी हुई हैं, कचरा गड्ढे हर जगह, कराची इलेक्ट्रिक वाले यहाँ घुसे, इनको बता दो हमारे यहाँ लाइट आज तो खड़े होंगे ना, वो दिखाना तो है, नामंजूर, 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 नामंजूर,
शिकार हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी इदारे ने उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की है।
चार्ज की वजह हमारे बेसिक किट से कि हमारे पास रोडें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं बारिश और कहना और सलाबी कैफियत के अंदर हमारे असर नौ रोडें तामीर की जाए, हमारा सीवरेज का निज़ाम असर नौ तामीर किया जाए, हमारे हर घर में पानी आना चाहिए और हमारे इलाके से जो नालों का सिस्टम है जो नायन आजाबाद और दूसरे इलाकों के पानी जो है सैलाबी कैफियत में हमारे इलाके के जो तबाह कर रहे हैं उनका जो प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए और उनके रुख को मोड़ना चाहिए और हमारे इलाके नागा जवानगी पर जो इन्होंने डंपिंग पॉइंट बनाया है उस डंपिंग पॉइंट को फिलफौर ख़त्म करना चाहिए। शादमान को आपस ज़्यादा करार दे दिया गया तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि करें हमारी एप्लीकेशन। हालिया बारिश के बाद कराची के अंदर जहां हर जगह पानी खड़ा हुआ, इसी तरह नागन चौरंगी के ऊपर भी हमारा जो शादमान का सोने का एरिया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ, इसके बाद से पूरे शहर को आपस ज़्यादा करार दिया गया। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि शहर जैसे शहर को आपस ज़्यादा करार दिया है इसी तरह शादमान के अंदर इस बारिश के बाद हालिया बारिशों के बाद इस सड़कों का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो मंगोपीर के ऊपर से बहुत बड़ा नाला आता है वो शादमान के अंदर से गुजरता है जिसकी वजह से शादमान कब्रिस्तान के पास जो डबल रोड है वो बिल्कुल बैठ चुकी है। इसके अलावा जो सीवरेज का पानी था वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आने की वजह से शादमान का सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल बैठ चुका है। यहाँ पर मुख्तलिफ नालों के ऊपर जो कवरिंग की गई थी वो पानी के ओवरलोड होने की वजह से पानी के प्रेशर की वजह से सारे नाले बैठ चुके हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है, हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि साबका हुकूमतें जो पिछले 4 साल यहाँ पर रहीं, पिछले 10 साल यहाँ पर रहीं, उनसे यहाँ पर जो उनका ऑडिट है उनसे मांगा जाए। जो उनको माना 5 लाख रुपए मिलते थे यहाँ पर भी उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, हमारा उनसे मुतालबा है कि 5 लाख रुपए माना जो यूनियन काउंसिल को मिलते थे यहाँ पर यूनियन कमेटी के चेयरमैन थे, हमारा उनसे मुतालबा है कि उनसे ऑडिट मांगा जाए। जो शादमान को 5 लाख रुपए माना मिलते थे उसका ऑडिट किया जाए कि उन्होंने वो कहां पर खर्च किए, जिसके बाद थोड़ी सी बारिश के अंदर इस पूरे से पूरा सिस्टम बैठ चुका है यहां पर। आप बताएं आप क्या कह रहे हैं सर? सारा रुख जो है इन्होंने हमारे इलाके में कर दिया, नॉर्थ आजमान जे ब्लॉक का सारा पानी हमारे इलाके में कर दिया। किससे पूछ के किया? क्योंकि इनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। पहले इंजीनियर हम अपना आपको शादमान वाले इंजीनियर देंगे, हम अपनी प्लानिंग से और जो भी खर्चा बात होगी कमेटी हमारी शादमान कमेटी भी इसमें शामिल होगी, हम बताएंगे कि किस तरह पैसा खर्च करना है और कहाँ खर्च करना है। ये मैट्रिक पास इंजीनियर नहीं चलेंगे अब। ये जो मसला है माइक इनको आज के लिए 17 साल तकरीबन 17 साल मसले को बारिशों से 2 महीने पहले रमजानों से यहाँ बहुत बुरा हाल है और गटर का पानी उबल के घरों के अंदर घुस चुका है और उसको अपनी मदद आपके तहत बहुत कोशिश की गई है लेकिन कोई इदारा ना सुनने को तैयार है, जिसकी वजह से लोग आज सड़कों पे आए हैं ताकि इस मसले को हल किया जाए और जो भी कर्जदारान है इस बात को सुने और हम बहुत पुराना एहतजाज कर रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि किसी को तकलीफ पहुँचाया जाए लेकिन इस मसले को हल करके जो है तमाम शादमान में जो पहले जिस तरह सड़कें थी पहले गटर के निज़ाम था जैसे पूरे शहर में उस तरीके से इसको सही किया। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही किया। अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की इबादत हमारी जिम्मेदारी है।
शादमान टाउन हालात हमने पेज बनाया है उसके फेसबुक के ऊपर तमाम लोग ताकि हमें जो मसले का हल हम लोगों को मिलकर ही हल निकालना है। तो एक प्लेटफॉर्म शादमान हालात पेज के नाम से हमने बनाया हुआ है, आप तमाम लोगों को उसको ज्वाइन करें और अपने मसले के ऊपर बताते हैं। इंशाल्लाह तआला अगर अगर हमारे मसाइल आ रहे हैं तो या तो हमें सोच में करेंगे या डीसी ने क्योंकि आपके हाल से मालूम है हालात होते हैं हालात के टीचर को सब्सक्राइब करें।